बड़ी खबर लेके मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। आज सुबह की बात करें तो कुछ देर पहले आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर शुरू हुआ साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में। जो अभी अभी खबर ये आ रही है कि दो आतंकी उसके अंदर जो है मारे गए हैं, जिनमें से एक लश्कर ए तैयबा का डिविजनल कमांडर शकूर डार था, जो कि काफ़ी देर से सक्रिय था और काफ़ी देर से उसको जो है मारने की मुहिम चल रही थी। जिस तरह से आतंक की गतिविधियों में उसका काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है आतंकवादी गतिविधियों में जो है मुलविस है। तो फिलहाल अब तक की ताज़ा खबर ये है कि एक लश्कर ए तैयबा का डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमांडर शकूर डार जो है मारा गया। दो आतंकी मारे गए हैं इस पूरे एनकाउंटर में और इसके साथ साथ आपको बताऊँगा तीसरे आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया है। ये अब तक की ताज़ा खबर है। अगर बात की जाए साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके से आ रही है। कुछ देर पहले ही एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, जिसकी जानकारी खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एसपी वैजी ने दी थी और एसपी वैजी ने अब ट्वीट करके ये बताया है कि दो आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से एक लश्कर ए तैयबा का डिविजनल कमांडर शकूर डार है। शकूर डार का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे कहीं ना कहीं लश्कर ए तैयबा की कमर ज़रूर टूटेगी, क्योंकि डिविजनल कमांडर का मारा जाना एक बड़ी खबर है और इसके साथ साथ एक आतंकवादी ने जो है इसके अंदर सरेंडर भी किया है। ये अब तक का पूरा अपडेट है जो लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ कि अभी तक का क्या अपडेट है। साउथ कश्मीर कुलगाम इलाके की ये खबर है, जिसके अंदर दो आतंकी मारे गए हैं और एक आतंकवादी ने इसके अंदर सरेंडर किया है। जो दो आतंकवादी मारे गए हैं उनमें से एक लश्कर ए तैयबा का डिविजनल कमांडर शकूर डार बताया जा रहा है। खुद डॉक्टर एसपी वैद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर, उन्होंने खुद इस चीज़ की जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ी कामयाबी है जो जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा और एसओजी द्वारा जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके अंतर्गत ये दो आतंकी मारे गए हैं। और एक और बड़ी बात ये भी है कि तीसरे आतंकी ने सरेंडर किया है। सरेंडर के बाद इस आतंकी से काफ़ी सारी खुफिया जानकारी हमें मिल सकती है कि ये कहां कहां पर इनके और गुट जो है सक्रिय है। बड़ी कामयाबी है अगर बात की जाए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इसके साथ साथ एक खबर और है, ये भी खबर कश्मीर अनंतनाग के बिजबेहाड़ा इलाके से आ रही है। पुलिस की तरफ से एक खबर आ रही है कि दो OGW वर्कर्स को भी अरेस्ट किया है बिजबेहाड़ा अनंतनाग इलाके से। बिजबेहाड़ा अनंतनाग इलाके से दो OGW वर्कर्स जो है अरेस्ट किए हैं और उनसे जो है भारी मात्रा में कुछ अम्यूनिशन भी रिकवर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल शुरू हो चुकी है। तो ये दो बड़ी खबरें अगर बात की जाए कश्मीर के कुलगाम साउथ कश्मीर से और कश्मीर के बिजबेहाड़ा अनंतनाग इलाके से। अनंतनाग में दो OGW वर्कर्स जो हैं अरेस्ट किए गए हैं पुलिस द्वारा। और साउथ कश्मीर कुलगाम की जो खबर है, जिसके अंदर दो आतंकवादी काफ़ी ड्रेडस्ट ये टेररिस्ट है जिनको मारा है, दो आतंकवादियों को मारा है, जिसके अंदर एक लश्कर ए तैयबा का डिविजनल कमांडर है शकूर डार और साथ में एक आतंकवादी ने जो है इसके अंदर सरेंडर भी किया है। बड़ी खबर लेके एक बार फिर से जेके मीडिया के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही कामयाबी की बात है। और हमारी बात की जाए जम्मू कश्मीर पुलिस की और हमारे SOG साथ में इंडियन आर्मी और साथ में CRPF, इन सब की तरफ से ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके अंदर हमारे जो है जवान और हमारे पुलिस के लोगों ने जो है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और मार गिराए हैं ये आतंकवादी। आतंक जिस तरह से जो है उनकी सफाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर सीज़ फायर जब से ख़त्म हुआ है, सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद पहले भांडीपोरा में चार आतंकवादी मारे गए, उसके बाद तराल इलाके में तीन आतंकवादियों को मारा जाता है और अब ये बड़ी खबर जो है साउथ कश्मीर कुलगाम से आ रही है, जहां पे दो आतंकवादियों को मारा है और एक आतंकवादी ने जो है सरेंडर किया है। बड़ी खबर है, जिनमें से एक लश्कर ए तैयबा का डिविजनल कमांडर शकूर डार। शकूर डार काफ़ी देर से सक्रिय था घाटी में और काफ़ी देर से इस आतंकवादी के तलाश में थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज। और आखिरकार इस आतंकवादी के मारे जाने के बाद लश्कर ए तैयबा की कहीं ना कहीं बड़ी तरह से जो है अगर बात की जाए तो कमर टूटी है। लश्कर ए तैयबा जो काफ़ी देर से सक्रिय कश्मीर में, उनकी कमर तोड़ दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज सिपाहियों द्वारा। हम सल्यूट करेंगे हमारी इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों के ऊपर, CRPF व SOG के सभी जवान हैं, उन सबको सल्यूट करेंगे जिस तरह से उन्होंने बड़े ही बेखूबी तरीके से जो है ये ऑपरेशन चलाया और दो आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसके साथ साथ एक आतंकवादी ने जो है सरेंडर भी किया है। ये खबर अब तक की आ रही है और ये अनंतनाग इलाके की खबर है जो खबर लेके मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। और ये बड़ी खबर, अब तक का सबसे बड़ी खबर जो है
ये खबर है और हमें इसके लिए अपने जवानों की बिल्कुल सल्यूट करना चाहिए जिस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। खास करके अगर बात की जाए अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है और कल ही हमने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर SDS जमवाल साहब से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी साथी सब के सब सक्रिय हैं और किसी तरह की भी इस तरह की गतिविधि को बिल्कुल भी वो जो है इसका जो है इसको हटा दिया जाएगा। और ख़ास करके अगर बात की जाए हमारी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और ये बड़ी खबर आपके साथ लेके जुड़ा हूँ JK मीडिया पर, जो अभी फ़िलहाल अभी जो है अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, फिलहाल सर्च चल रही है, लेकिन बड़ी खबर कि जितने आतंकी थे, क्योंकि 3 आतंकवादी जो है पुलिस और सेना द्वारा घेरे गए थे जिनमें से 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 1 आतंकवादी ने सरेंडर किया है, बड़ी खबर है। और साथ में इसी तरह से जो है ऑपरेशन लगातार घाटी में तेज़ हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अब घाटी के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं, जिस तरह से अगर कल की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है एक वांटेड लिस्ट जारी की है लगभग 21 लोगों की, जैसे 21 लोगों में जो है सबके सब आतंकवादी हैं जिनकी जो एक लिस्ट जारी की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ऐसा लग रहा है कि जल्दी उस लिस्ट का सफाया कर देगी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और CRPF SOG के सभी जवान। एक बार फिर से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने सभी जवानों को और मुबारकबाद दूंगा जिस तरह से इस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से चलाया और सभी आतंकवादियों को मार गिराया है। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि लश्कर ए तोहबा का डिविजनल कमांडर शकूर डार मारा गया है। काफ़ी देर से सक्रिय था ये आतंकवादी, इस आतंकवादी के मारे जाने के बाद लश्कर ए तोहबा की कमर टूट गई है और एक आतंकवादी ने अपनी जान बचाते हुए सरेंडर किया है। काफ़ी बार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी ये आग्रह किया जाता है कि आतंकवादियों को कि आप जो है वापस अपना जो है हथियार छोड़ के आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए। अब फिलहाल एक आतंकवादी ने सरेंडर तो किया है, शायद जो है बड़ी खबर हो सकती है। और साथ में अगर बात की जाए, बड़ी खबर लेके आपके साथ जुड़ा था, फर्दर जो भी अपडेट्स रहेंगे हम लोग आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहें JK मीडिया के साथ, आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए। हमारा पेज लाइक करना ना भूलें, हम आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें JK मीडिया और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी हम लेके पहुंचेंगे आप तक ताज़ा खबरें। आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।